कम बैक टू आवर चैनल, माई नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस आज की हमारी वीडियो इग्नू यूनिवर्सिटी के ऊपर रहने वाली है रिगार्डिंग टू बीएड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ, ना तो मेरिट, ना तो काउंसलिंग, ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई लिस्ट नहीं बताई गई है। हाँ ठीक है, आपके लिए अभी तक इन्होंने कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं बताई है। क्यों नहीं बताई है? क्योंकि ये आपके DU जो इग्नू बीएड है उसको बहुत डिले कर रहे हैं। अब तो आप एक्सपेक्टेड लगा सकते हो, आज हो गई 1 तारीख, हालांकि 1 तारीख को कुछ इन्फॉर्मेशन इनको रिलीज़ करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं करी। अब 5 सितंबर के बाद जब आपके UG और PG वालों के जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तब ये कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचेंगे, जब इग्नू बीएड के बारे में सोचेंगे कि क्या करना है इनका। हालांकि इन्होंने RC भुवनेश्वर की जो RC रीजनल सेंटर है उसके वेब पेज पे तो इन्होंने डाल दिया है कि as soon as possible, ठीक है, मेरिट लिस्ट इज़ कमिंग सून। लेकिन इन्होंने ये टाइम हो गया इसको लिखे हुए, और इन्होंने अपने गाइडलाइन के भी बारे में बता दिया कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे और कौन कौन से कब कब क्वालिफाई हो गए और कब कब उनकी सेकंड या वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा से फ्लो चार्ट के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये वेट कर रहे हैं कि सर फ्लो चार्ट हमारा किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में मुझे बताइए। ठीक है, मैं फ्लो चार्ट के बारे में बता देता हूँ। और हाँ, अगर आपने गाइस अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए तो जाके प्लीज़ डॉक्यूमेंट पहले बनवाइए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और अब जल्दी आपका कुछ ना कुछ होने वाला है। और जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा और ये मेरे सामने PDF खुलेगी फ्लो चार्ट की इग्नू बीएड का, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने एडमिशन दिया था इसी के द्वारा लिया था और इस बार ये ऑनलाइन प्रोसेस रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि बीएड एडमिशन 2021 के लिए, ठीक है गाइस। इसके बाद हम देख सकते हैं दिस हेल्प फाइल इज क्रिएटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ द डेटा ऑन द बीएड एडमिशन पोर्टल प्रोवाइडेड टू ऑल द नोडल RC। सब RCO को मतलब कि रिलीज़ की जाएगी, एक ही टाइम पे की जाएगी, इन्होंने इतना कह सकता है। और जब ये अपना मतलब कि सब कुछ निकालेंगे तब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पहले तो ये सुन लो मेरी बात। ठीक है, मैं उसके फिर आपको बताऊँगा पूरा का पूरा एनालिसिस। सबसे पहले तो आप जब इसका इग्नू बीएड का आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जब एडमिट कार्ड था, आप सेंटर पे लेके गए थे, तब इन्विजिलेटर ने आपके एडमिट कार्ड पे साइन किए थे, वो एडमिट कार्ड वैलिडिटी माना जाएगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, एडमिट कार्ड नहीं है, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। ठीक है, वो जब आपका एडमिट कार्ड पे ही साइन देखेंगे इन्विजिलेटर के, अगर साइन हो गए तो वैलिडिटी माना जाएगा एडमिट कार्ड, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और हाँ, जब आपने इग्नू बीएड का जब फॉर्म भरा था तो आपको फॉर्म का भी एप्लीकेशन पूरा का पूरा फॉर्म जब भरा था तो PDF फॉर्म में आपने या फिर डिवाइस में या फिर प्रिंट आउट निकलवा लिया वो हार्ड कॉपी में, तो वो वहाँ पर जाके प्रिंट आउट निकलवा के दिखा सकते हो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आप देखिए प्रोसेस की बात करें तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, व्यू डॉक्यूमेंट एंड द प्रोसेस एप्लीकेशन। ठीक है, फिर सर्च बीएड एप्लीकेशन क्लिक हेयर, आपके सामने ये ऑप्शन अवेलेबल करवाए जाएंगे, फर्स्ट लेवल, फिर द सेंट ऑफर लेटर। ठीक है, सबके सब होगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम फर्स्ट की बात करें यहाँ पर कि व्यू द डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोसेस क्लिक हेयर, कैसे आपके देखिए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही सबमिट हो गए, इन्होंने इतना तो बता दिया है कि ऑनलाइन आपके सबमिट हो गए। आप इस तरीके से देख सकते हो, आफ्टर क्लिकिंग ऑफ द और नंबर ऑफ फॉलोइंग स्क्रीन अवेलेबल, इस तरीके से देख सकते हो। आप मेल आईडी भी दे रखी है, बीएड भी दे रखी है, आपकी कंप्लीट पेमेंट भी होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका दिखा रखा होगा इन्होंने। ये होगा कुछ इस तरीके का फॉर्म जो आपको भरना होगा, और ये छोटा सा फॉर्म देंगे भी अभी थोड़ी मतलब कि मेरिट निकालने के बाद। ठीक है, अभी तो आपकी प्रोसेस में ही चल रहा है सारा का सारा काम, जब भी आपका ये निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर आपको अप्रूव मिलेगी फर्स्ट लेवल के लिए कि बीएड के लिए हाँ ये बच्चा क्वालिफाई है, उसके लिए अप्रूवल मिल जाएगी। देन उसके बाद आपका अगर नाम आ रहा है अप्रूवल, ईमेल सेंड की जाएगी। देखिए ईमेल सब बच्चों के पास जाएगी और सब बच्चों को ईमेल के ऊपर अपना जो भी प्रोग्राम कोड होगा, सेशन होगा, नेम होगा और कंट्रोल नंबर होगा, कैटेगरी होगी बच्चे की और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो आप इस मेल के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इधर बोलेंगे आपसे मेल में कि लॉगिन
टू योर अकाउंट जब आप लॉगिन करोगे तो पूरा का पूरा डेटा इसमें दिखा रखा होगा कि इस तरीके से आप इसमें हमारे डॉक्यूमेंट चाहिए और हमें ये वाले मतलब चाहिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रोग्राम कोर्स कोड पर्सनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करस्पॉन्डेंस डिटेल्स टीचिंग एक्सपीरियंस अपलोड डॉक्यूमेंट और कंफर्म और फी डिटेल्स, ठीक है। फी डिटेल्स के बारे में भी बताई जाएगी, इस तरीके से आपका प्रोग्राम डिटेल होगी। पहले मैं आपको बीएड जैसे कि इसमें दिखा रखा है प्रोग्राम हमारा बीएड भरा जाएगा। प्रोग्राम अप्लाइड के लिए बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन इस तरीके से फुल फॉर्म भरने पड़ेगी। आरसी आपका कौन सा है, ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको यहाँ पर आरसी भरना पड़ेगा। कोलकाता रीजन है या फिर कोई से भी लखनऊ दिल्ली भुवनेश्वर जो भी आपका रीजन है इस तरीके से भर सकते हो। आपका कोड भी लिखा होगा एग्ज़ाम सेंटर कोड जब आपने एग्ज़ाम दिया था एंट्रेंस के लिए। आरसी आपका कौन सा पड़ता है, ठीक है। स्टडी सेंटर कौन सा चूज करना चाहते हो, ठीक है। फिर सेकंड के लिए भी पूछेगा, थर्ड के लिए भी पूछेगा और आरसी एक बार दोबारा पूछेगा। इस तरीके से मीडियम स्टडी आप इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएगी। आफ्टर ये सेव करने के बाद आपके सामने ये यहाँ पर जैसे कि आप अब ये डिटेल सेव कर दोगे फिर नेक्स्ट पेज आओगे तो आपके सामने ये नीचे आ जाएगा और नीचे क्या आएगा ये डिटेल आ जाएगी जो जो आपने भरा होगा, ठीक है। आपके सामने ये डिटेल आएगी और ऑप्टिकल कुछ कोर्स के उसके बारे में पूछी जाएगी जैसे कि आप बीएड तो कर ही रहे हो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गए कुछ कुछ सेकेंड ईयर के मतलब कि जो मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं उनको भरने के लिए कहा जाएगा। बीएड के तो आपके पास रहेगा ही सब्जेक्ट, ठीक है। आपकी जो भी क्रेडिट होगे वो इसमें मिलेंगे जैसे कि इस तरीके से क्रेडिट है। फर्स्ट ईयर में अगर बात करी जाए तो क्रेडिट के बारे में चाइल्डहुड की बात की गई है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी की ऑफ इंडिया एजुकेशन की बात करिए, लिसनिंग ऑफ टीचिंग, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा का पूरा सर्कुलेट दिखा रखा है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप अगर यहाँ पर क्लिक करोगे नेक्स्ट पे तो आपके लिए एक और पोर्टल खुल जाएगा, मतलब कि एक और खुलेगा और जैसे ही आप खुलेगा इस पे आ जाओगे करस्पॉन्स मतलब कि अपने एड्रेस पे आ जाओगे। एड्रेस तो आपको अच्छा खासा पता है कि किस तरीके से भरना है तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। जैसे ही इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरी की पूरी आ जाएगी। देखिए इस तरीके से आएगी इन्फॉर्मेशन, आपके एक तो सब्जेक्ट आ जाएगी पूरे, ठीक है। आपकी फ़ी डिटेल के बारे में बात कर ली थी, फ़ी डिटेल आ जाएगी। देन उसके बाद आपका जो भी अपलोड आपने डॉक्यूमेंट वगैरह करे थे वो एड्रेस वगैरह अपना एडिटिंग वगैरह करी थी, देन फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सबमिट होने के बाद इस तरीके से फिर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी डिटेल्स हो जाएगी कि प्रोग्राम डिटेल्स कोर्स डिटेल पर्सनल डिटेल एजुकेशनल डिटेल प्रोफेशनल कोरस्पॉन्डिंग इस तरीके से कहेगा। और आप ये रेड लाइन में देख सकते हो कि आफ्टर सबमिशिंग वाई द स्टूडेंट दिस फॉर्म विल अपीयर इन द आरसी ऑफ मॉड्यूल सेंडिंग ऑफर लेटर। अब आपके पास एक ऑफर लेटर भेजा जाएगा, देन उसके बाद आप क्या कर पाओगे यहाँ पर देखिए आफ्टर क्लिकिंग ओवर द सेंट ऑफर लेटर चूज द ऑफर लेटर सेंड वी क्लिक ऑन द सर्च बटन। आप जैसे ही इस पर सर्च पे क्लिक करोगे आपके लिए यहाँ पर सेंड आपके लिए मैसेज भेज दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। हालांकि वो भी भेजेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको ही यहाँ पर सबमिट करने के बाद भेजा जाएगा, नहीं वो भी भेजेंगे आपको फायदा, ठीक है। इस तरीके से आपका होगा फॉर्म नंबर होगा आपका नेम होगा स्टेटस में और बीएड प्रोग्राम के लिए मोबाइल नंबर वैलिडिटी होना चाहिए। बहुत बच्चों का मोबाइल नंबर गुम हो जाता है, मेल आईडी सबसे बड़ी होती है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने एडमिशन जब फॉर्म भरा था तब मेल आईडी दूसरी थी अब दूसरी है, ठीक है। उनके लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। और इस तरीके से आपका ऑफर लेटर देखा जाएगा, इस तरीके से आपका ऑफर लेटर आएगा। देखिए ऑफर ऑफ द एडमिशन इन बैचलर एजुकेशन प्रोग्राम जनवरी 2021, मतलब इस तरीके का होगा और आपकी डेट होगी और इसमें आपकी पूरी की पूरी डिटेल बताई जाएगी कि हम इस बार में डियर गिरिराज कुमार सिंह दिस इज रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन नंबर फॉर द एडमिशन ऑफ बीएड प्रोग्राम जनवरी 2021। वी आर द हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द एडमिशन इन द प्रोग्राम। यू आर एडवाइज्ड टू लॉग इनटू योर अकाउंट एंड मेक द पेमेंट ऑफ प्रोग्राम फी। जब आपकी पेमेंट के बारे में पूछी जाएगी कि आपकी 55,000 की पेमेंट हमें चाहिए तो इस तरीके का पूरा शेड्यूल रहने वाला है आपका। और आप देख सकते हैं कि आरसी अगर कोलकाता है तो इस तरीके से आपकी पूरे पूरे मेल जाएगी। देन मेल के बाद अब क्या होगा, मेल के बाद अब जैसे ही आप मेल एक्सेप्ट करोगे या पेमेंट जैसे ही आप कर लोगे तो यहाँ पर फिर से सबमिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहाँ पर वो शो हो जाएगा डिटेल। जैसे ही यहाँ पर अगर फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर गए तो आपका फ़ी स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाएगा।
और फीस टैक्सेस जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आपकी डिटेल जो भी आपने यहाँ पर फिल कर रखी थी साइड में देख सकते हो आप इस तरीके से ये डिटेल आपकी शो हो जाएगी। देन उसके बाद आप यहाँ पर आफ्टर द चूजिंग द पेमेंट ऑप्शन, आप जैसे पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका कंट्रोलमेंट नंबर, ट्रांजेक्शन आई डी, प्रोग्राम कोड और फी पूरी की पूरी आ जाएगी। मे के पेमेंट पूरी आपको फी एक ही बार में सबमिट करवानी पड़ेगी, कोई इंस्टॉलमेशन नहीं चल रही है इसमें, इन्होंने बता रखा है ठीक है। आफ्टर द क्लिकिंग ओवर द मेक पेमेंट बटन फॉलोइंग स्क्रीन विल बी अवेलेबल, इस तरीके से आपका जो भी आप UPI क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के द्वारा अगर पेमेंट करना चाहते हो, इन्होंने बता रखा है सारे ऑप्शन इनके पास अवेलेबल रहते हैं ठीक है। UPI के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपकी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल होगी, देखिए आफ्टर द चूजिंग द कार्ड, अगर कार्ड पे आप डिटेल पे शो करते हो तो आपको कार्ड फिलअप करना पड़ेगा। कार्ड फिलअप के बाद आपको पता है कि पूरी की पूरी क्या सिनेरियो रहता है। देन अगर आप कार्ड को नहीं करते हैं तो किसी और ऑप्शन इस तरीके से देख कौन सी बैंक है आपकी, इस तरीके का बता रखा है। जैसे ही आपकी अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके सामने ये आ जाएगा नंबर ठीक है, आपके सामने आ जाएगा आफ्टर क्लिकिंग द ओवर बटन, आफ्टर क्लिकिंग द ओवर बटन फॉलोइंग स्क्रीन विल बी अपीयर। आप स्क्रीन पे भी ले सकते हो, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो अगर आपकी पेमेंट हो रही है, क्योंकि अगर आपकी पेमेंट अगर थोड़ी बाई चांस अगर कुछ टेक्निकल एरर के चक्कर में अगर कैंसिल भी हो जाती है और आपके बैंक से अगर पेमेंट कट जाती है तो आप जाके RCC से सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आप स्क्रीन शॉट के द्वारा बता सकते हो ठीक है। आपके पास वही ऑप्शन रहेगा अगर आप ऐसे पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि 55,000 बहुत बड़ी पेमेंट होती है आप लोगों को पता है ठीक है। तो आप स्क्रीन शॉट जरूर लेना रेफरेंस आईडी का और जो ट्रांजेक्शन आईडी होगी उस तरीके का। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइस आपके लिए सबमिट का बटन आ जाएगा और उसके बाद गाइस आप यहाँ पर सबका सब कर पाओगे ठीक है। इस तरीके की डिटेल है। अब नीचे थोड़ा सा और चलते हैं, ये पूरा का पूरा था, इस तरीके का आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। कंट्रोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और इन्वॉल्वमेंट नंबर इस तरीके के शो हो जाएगी। देन उसके बाद आपका सबका सब नेक्स्ट एक्सचेंज टू स्टूडेंट ऑफर, तो इसमें पूरा डिक्लेरिफिकेशन पूछ लेगा आपसे, यहाँ पर सबमिट करके यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। देन उसके बाद पूरा का पूरा फॉर्म रिव्यू हो जाएगा, आपका फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखाई देगा भरने के बाद। देखिए इस तरीके का मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके का यहाँ पर आपका कंट्रोलमेंट नंबर होगा, इंट्रोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, नेम होगा आपका ठीक है, RC पूछी जाएगी, एग्ज़ाम सेंटर पूछा जाएगा और था फादर पूछे जाएंगे, आपके स्टेडियम जो स्टडी मीडियम है आपका क्या रहने वाला है, एड्रेस रहेगा, फ़ोटो रहेगा आपका, सिग्नेचर रहेगा इधर ठीक है। और इस तरीके की डिटेल रहेगी, फिर आपके पास एक कंफर्म मैसेज चला जाएगा कि हाँ रजिस्ट्रेशन की डिटेल चली जाएगी आपके पास, इस तरीके के पूरी की पूरी उसमें सब कुछ लिखा होगा और ये पूरा का पूरा आपका शेड्यूल पहुंच जाएगा आपके पास ठीक है। गाइस ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, आई होप हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। गाइस देखिए अगर बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, गाइस पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो ठीक है। आपको कुछ भी इंक्वायरी है, मतलब कि डाउट है, समस्या, डॉक्यूमेंट्स, वेरीफिकेशन, काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर बात करेंगे, वहीं पर सारे बच्चों के डाउट क्लियर होते हैं ठीक है। आप कमेंट में भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट में ज़्यादा मैं एक्टिव रहता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा एक्टिव टेलीग्राम पर रहता हूँ, तो वहाँ पर आप ज़्यादा ज्वाइन करना है ठीक है। इग्नू BEd से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैंने एक तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो BEd के स्टूडेंट हैं और इग्नू के BEd के, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये चैनल बनाया गया है, उनकी ही BEd की समस्याओं का सोल्यूशन किया जाता है। तो गाइस ये थी मेरी, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइस फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।